खबर भीलवाड़ा से कांग्रेस कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा युवा विरोध अग्निपथ योजना। आपको बता दें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर युवाओं के भविष्य के साथ केंद्र सरकार द्वारा किए खिलवाड़ से न्याय दिलाने के लिए अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को 7 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया गया। शहर में सोमवार को सूचना केंद्र चौराहे पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल डांगी के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्देशों के अनुसार किए गए सत्याग्रह में भीलवाड़ा विधानसभा कोऑर्डिनेटर सीएम भदाला सहित कई पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कार्यकर्ता नारे लिखी तख्तियां लिए हुए बैठा था। कुछ स्टूडेंट भी सेना की वेशभूषा में पहने सत्याग्रह स्थल पर मौजूद रहकर सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। ये स्टूडेंट अग्निपथ योजना को युवा विरोधी करार देते हुए तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे थे। सत्याग्रह को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर युवा विरोधी अग्निपथ योजना बर्दाश्त नहीं करेगा एवं केंद्र सरकार को यह योजना वापस लेनी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरी ताकत से अहिंसावादी संघर्ष की राह पर डटा रहेगा और जब तक सरकार सेना में अग्निपथ के माध्यम से भर्ती के अपने नापाक इरादों का त्याग नहीं कर देती तब तक संघर्ष जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना भारतीय सेना के हितों के प्रतिकूल है और इसका नुकसान राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में होगा। इस योजना से युवाओं के सेना में जाकर राष्ट्र सेवा के संकल्प को भी गहरा आघात लगा है। युवाओं का अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। सत्याग्रह के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए हैं। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आदि के समर्थन में भी नारे लगाए गए। सत्याग्रह में कांग्रेस भीलवाड़ा पूर्वी ब्लॉक अध्यक्ष हमेंद्र शर्मा, पश्चिमी ब्लॉक अध्यक्ष मंजू पोखरना, पूर्व प्रधान सुवाना भवनलाल गर्ग, सुरेश श्री माली, दुर्गेश शर्मा, ओकार माली, सिमराम खटिक, मेवाराम खोईवाल, मोहम्मद रफीक शेख ज्ञानमल खटिक, अनिल राठी, पार्षद महेंद्र घबरानी, प्रकाश ओझा, मोहिनी देवी माली, राधेश्याम भड़ाना, ओम प्रकाश अग्रवाल, शिवलाल जाट, जिला सचिव मोहम्मद हारून रंगरेज, मुकेश खोईवाल, ओम प्रकाश मल्होत्रा, अनिल डिडवानिया, रियाज पठान, मनोज पालीवाल, गुडबीन मसी, जितेंद्र दरियानी, दीपक व्यास, दीपक श्रीमाली, अर्चना सोनी, रेखा भट्ट, दीपमाला लोट, हेमराज आचार्य, लहरू जाट सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। इसका संचालन पंडित रविशंकर पौराणिक ने किया। यह सत्याग्रह कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी गांधी जी के निर्देशों के अनुसार जो राज्य केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की है युवाओं पे जो 17 साल से 21 साल के लिए उन युवाओं को 4 साल की नौकरी देने के लिए योजना बनाई है। जहाँ पर पहले ही 2 साल के अंदर 2 लाख नौकरियां सेना के अंदर बाकी थी वहाँ पर उन नौकरों को ये कहते हुए रोक दिया था कि कोरोना काल के अंदर हम ये नौकरियां नहीं देंगे, लेकिन 2 साल के अंदर उन्होंने बंगाल के अंदर चुनाव तक करवा दिए और सैनिकों के साथ कुटारा को छलवा किया और उसको छुपाने के लिए उन्होंने आज 1.5 लाख नौकरियों की बात की जिसके अंदर से मात्र 34,000 ऐसे युवाओं को 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। उन भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि राजीव इधर की ये तो हमारी भाजपा के जो कार्यालय है उनकी सिक्योरिटी के लिए है। मैं बड़ी शर्म की बात है कि देश के युवाओं के साथ इतना बड़ा छलवाड़ मजाक हो रहा है, देश की सुरक्षा खिलवाड़ में, उसके विरोध में इस योजना को पुनः लेने के लिए आज पूरे राजस्थान के अंदर आंदोलन हो रहा है। मैं, मेरे साथी हेमंदर जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मंजू जी और हमारे सभी कार्यकर्ता सेवा दल के सभी मिलकर के आज इस योजना को पुनः वापस लेने का यहाँ सत्याग्रह के लिए आंदोलन कर रहे हैं। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। देखिए इंडिया न्यूज 64 पर।